नमस्कार, मैं मोहम्मद शमीम और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि करेले के बीज कैसे निकाला जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जो करेला होता है उसका बीज निकाला जाता है, उसकी बीज की बिक्री होती है। तो उसका बीज कैसे तैयार किया जाता है आज की वीडियो में यही बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और हमारे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपको नीचे ज्वाइन बटन दिख रही होगी, आप उसे दबा के हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारी फसल है, सब्जी है, जिसका बीज निकाल के हम उससे इनकम लेते हैं। उसी में से एक सब्जी है करेला। करेला दो प्रकार से बेचा जाता है। एक तो होता है हरा करेला, जो सब्जी के लिए तैयार करके जो सब्जी के लिए तैयार करके बेचा जाता है, और दूसरा होता है बीज के लिए। जो करेला सिर्फ बीज के लिए ही होता है, उसके अंदर में बीज की मात्रा ज़्यादा होती है और ऊपर जो खाने का भाग होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो बीज के पर्पज़ से ही बनाया गया है। जो उसका शोध किया गया है वो बीज के पर्पज़ से ही है। बहुत छोटा रहता तो आप सब्जी के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। किसान भाई भाई, करेले का बीज निकालने के लिए सबसे पहले आपको खेत से पके हुए करेले को चुन लेना होता है। कहने का मतलब, जो खेत में करेले पक चुके हैं उस पौधे में, उस सारे करेले को तोड़ के आप जमा कर लीजिए एक जगह पे। जब सारे करेले जमा हो जाएंगे, फिर उस पके हुए जो तोड़ के रखे हैं करेले, उसको फोड़ के उसका बीज आप निकाल लीजिए पूरा एक साथ में। इस तरीके से पूरे फल का बीज आप साफ कर लीजिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं वीडियो में। और जब ये बीज पूरा जमा हो जाए तो आपको एक जाली होना चाहिए, जिसको किसान भाई झन्ना भी बोलते हैं, कुछ बड़े होल का रहता है, जिसमें से कुछ मोटे मोटे पदार्थ निकल जाएं। जैसे, क्योंकि हमें करेले का बीज निकालना है, तो ये जो निकला हुआ करेले का बीज है, लाल लाल दिख रहा है, ये अभी साफ नहीं है, इसको हमें साफ करना है। साफ करने के लिए हमें इसको झरने में डालना होएगा इस तरीके से, और झरने में डाल के हमको इसको दोनों हाथ से मसलना रहता है। इतना मसलना रहता है इस तरीके से कि इसके पूरे जो लाल लाल इसके अंश दिख रहे हैं बीज के ऊपर, जो ये पूरे साफ होना जाए। ये मुलायम होते हैं, मींजने से छूट जाते हैं, बीज से अलग हो जाते हैं, और ये रसीला होता है, तरल थोड़ा होता है। तो ये जो झरने में नीचे छेद है, इसके जरिए से ये नीचे चला जाता है। हम इसको मींजते रहते हैं और ये नीचे जाता रहता है, ऊपर झरने में बीज जो है साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये अभी भी पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ रहता है, क्योंकि ये 95% जो है इसके जो लाल पदार्थ हैं ये तो निकल चुके हैं, जो इसके ऊपरी बीच पे चिपके हुए थे, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हुई हैं। इसे पूरी तरीके से साफ करने के लिए हमें हमें इसे पानी से धोना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से पानी के साथ भी हम ऐसे धोएंगे, झरने में इसको रख के और इसके ऊपर पानी डालेंगे और इस बीज को हाथ से मसलते रहेंगे और पानी डालते रहेंगे, तो बीज के ऊपर से छूट के और पानी के साथ झरने के होल से नीचे चले जाएंगे इसके जो लाल पदार्थ हैं, और ऊपर चमचमाता बीज झरने में रह जाएगा। जब आप देख लीजिए कि पूरी तरीके से साफ हो गया है, तो इस बीज को साफ जगह पे रख दीजिए दूसरे बर्तन में, और जो बचे हुए बीज हैं उन्हें भी इसी प्रकार से साफ कर लीजिए। इस तरीके से आपका जितना बीज हो उसे साफ कर लीजिए, और फिर साफ किया हुआ पूरा बीज जो है आप कड़क धूप में फैला के सुखा दीजिए, अच्छी तरीके से सुखा दीजिए, इसमें नमी ना रहे। इस तरीके से आपका करेले का बीज तैयार हो जाता है, और रोज का रोज आप अपने खेत से इसी प्रकार से बीज निकाल के सुखा के भंडारण कर सकते हैं। और जब मार्केट में इसका भाव आपको अच्छा मिले तो आप इसे बेच के अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। तो किसान भाई, ये रही एक छोटी सी वीडियो करेले के बीज निकालने की विधि के बारे में। अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो या हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और हमारे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपको नीचे ज्वाइन बटन दिख रही होगी, आप उसे दबा के हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।